स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली हम अपने वादे के मुताबिक आप सभी लोगों को उर्दू ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं और आज ये तीसरा क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी दो क्लास कवर हो चुके हैं जिसमें हम लोग 20-20 क्वेश्चन किए थे, यानी कि ऑलरेडी इसके पहले हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे और ध्यान रहे ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये वीवीआई क्वेश्चंस भी हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्ट हूबहू पूछ दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों से कही थी जब मैं उर्दू ग्रामर पढ़ा रही थी तो कि उर्दू कवायद के सभी टॉपिक पढ़ लेने के बाद, उर्दू ग्रामर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप लोगों को उर्दू ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो वो तो हो ही रहा है, यानी कि उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं, उर्दू कवायद पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग उर्दू कवायद के सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए, पूरा उर्दू ग्रामर पढ़ लीजिए जो कि आप लोग को कंप्लीट कराया जा चुका है, ठीक है। और तब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग के लिए हर एक क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा और ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही है, ठीक है। तो साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, उर्दू ग्रामर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जा रहा है और साथ में ये भी पता चल रहा है कि उर्दू ग्रामर के किस किस टॉपिक से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और तीसरा फ़ायदा ये हो रहा है कि ये सभी क्वेश्चन जो है ना वीवीआई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हो सकता है कि आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में डायरेक्ट हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाए, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी हर एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है, समझना है, किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आप लोगों को, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, वीडियो को फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके पहले दो वीडियो में और ये सवाल 41 नंबर है कि काश वह आता जुमला है, बताइए। ऑप्शन ए में है इनशाइया, बी में है जुमला मुफरद, सी में है खबरिया और डी में है जुमला मुरक्कब। फटाफट आप लोग आंसर बताना शुरू कर दीजिए, आप लोग उर्दू ग्रामर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम आसान और हलवा लगने वाला है, ठीक है। काश वह आता, जुमला क्या है कि काश वह आता, यानी कि इस जुमले में तमन्ना पाया जा रहा है और जिस जुमले में तमन्ना पाया जाता है उस जुमले को क्या कहते हैं, मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उस तरह के जुमले को कहा जाता है इनशाइया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है इनशाइया, इसको धीरे से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग ग्रामर के सभी टॉपिक को पढ़ लिए हैं तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है कि नमाजी मस्जिद में है, इसमें मे है, बताइए मे क्या है। नमाजी मस्जिद में है, ये एक जुमला है, सेंटेंस है और इसमें बताना है कि इसमें ये जो मे है ये क्या है। ऑप्शन ए में है इस्म, बी में है फेल, सी में है हर्फ और डी में है मफूल, ठीक है। इस्म को इंग्लिश में कहा जाता है नाउन, आप लोग जानते हैं, फेल को कहा जाता है वर्ब, हर्फ को कहा जाता है प्री पोजिशन और मफूल को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो अक्षरों का समूह किसी जुमले को पूरा करे, जिसके बिना जो है ना सेंटेंस अधूरा अधूरा लगे, उस तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है हर्फ। जैसे कि देखिए यहाँ पर नमाजी मस्जिद में है, अगर इसमें से मे हटा दिया जाए तो नमाजी मस्जिद है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, यानी कि मे लगने की वजह से इस सेंटेंस का मतलब पूरा हो रहा है। अगर मे नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस अधूरा होगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इस मे को कहते हैं हम लोग हर्फ, यानी कि प्री पोजिशन। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 43 है कि रिजवान पटना जाएगा, इसमें कौन सा फेल है, फेल का टाइप बताना है कि इसमें कौन सा फेल है। ऑप्शन ए में है फेल माजी, बी में है फेल हाल, सी में है फेल मुस्तकबिल और डी में है फेल अमर। जाएगा यानी कि गया नहीं है, आने वाले समय में जाएगा, यानी कि जो काम होगा, ये जो क्रिया होगी वो मुस्तकबिल में होगी, आने वाले समय में होगी, यानी कि ये जो क्रिया है ये कौन सा है, फेल मुस्तकबिल, यानी कि फेल का
जो टाइप है वो है फेल मुस्तकबिल, मुस्तकबिल से रिलेटेड है ये फेल मुस्तकबिल है, क्योंकि ये फेल जो है ना आने वाले समय में होगा, मुस्तकबिल में होगा, और जो फेल हाल ही में हो रहा हो उसको कहते हैं फेल हाल, और जो फेल ऑलरेडी हो चुका हो यानी कि जो क्रिया पास्ट टाइम में हो चुकी हो, जो काम हो चुका हो गुजरे हुए समय में, उस तरह के फेल को कहा जाता है फेल माजी। ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि तुम इधर आओ, इसमें कौन सा फेल है? ऑप्शन ए में है फेल माजी, बी में है फेल हाल, सी में है फेल मुस्तकबिल और डी में है फेल अमर। ठीक है, तो यहाँ पर फेल के टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसी तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, फॉर्मेट है, वो इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो तुम इधर आओ, इसमें कौन सा फेल है, यानी कि यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, और जिस फेल जिस काम को करने के लिए ऑर्डर दिया जाए, हुक्म दिया जाए, उस तरह के काम को हम लोग कहते हैं फेल अमर। यानी कि ऑलरेडी आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है फेल अमर। मैं बोली थी ना कि अमर का मतलब याद रखिएगा ऑर्डर। ठीक है, जिस काम को करने के लिए ऑर्डर दिया जाए, उस तरह के काम, उस तरह के फेल को कहा जाता है फेल अमर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 सवाल है कि दौड़ क्या है? ऑप्शन ए में है इसमें हालिया, बी में है हासिल मजदर, सी में है मजदर लाजिम और डी में है फेल लाजिम। तो दौड़ ये एक हासिल मजदर है जो कि दौड़ना से, ऐसा लग रहा है ना कि दौड़ना से दौड़ बना हुआ है, तो इसी तरह के मजदर को कहा जाता है हासिल मजदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कि घोड़ा दौड़ा में कौन सा फेल है? ऑप्शन ए में है फेल अमर, बी में है फेल लाजिम, सी में है फेल मुतादा और डी में है फेल मुस्तकबिल। घोड़ा दौड़ा, सिर्फ अगर दौड़ा बोला जाए तो समझ में नहीं आएगा कि क्या दौड़ा, और घोड़ा बोल देने की वजह से ये सेंटेंस पूरा हो जा रहा है, मानी पूरा हो जा रहा है कि अच्छा घोड़ा दौड़ा, यानी कि ये फाइल को चाह रहा है। इस तरह के फेल को कहा जाता है, जी हाँ, इस तरह के फेल को कहा जाता है फेल लाजिम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, यानी कि बनावट के लिहाज से आप लोगों को बताना है कि इस्म के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताई हूँ तीन प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 की फेल की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए में है 5, बी में है 10, सी में है 7 और डी में है 12। तो ऑप्शन नंबर डी 12 इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 कि दफ्तर का जमा क्या होगा? दफ्तर का जमा यानी कि बहुवचन प्लूरल आपको बताना है। ऑप्शन ए में है दफ्तूर, बी में है दफातूर, सी में है दफ्तार और डी में है दफातर। तो दफ्तर का जमा होता है दफातर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं और सवाल है कि हद का जमा क्या होगा, यानी कि अब यहाँ पर हद का बहुवचन प्लूरल आपको बताना है। ऑप्शन ए में है एहदाद, बी में है हद, सी में है हदूद और डी में है महदूद। तो हद का जमा होता है हदूद। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि दर्ज ज़ैल में कौन मुअन्नस है? ऑप्शन ए में है सुबह, बी में है रिवाज, सी में है मज़ार और डी में है गीत। मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग आपको बताना है, कौन सा लफ्ज़ स्त्रीलिंग है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो मुअन्नस लफ्ज़ देखने को मिलेगा वो है सुबह। सुबह हो गई, सुबह हो गया नहीं, सुबह हो गई। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रंज का मुतरादिफ है यानी कि एक जैसा अर्थ रखने वाला लफ्ज़ कौन सा है, बताना है। ऑप्शन ए में है दानिश, बी में है अलम, सी में है खुश और डी में है दौलत। तो ऑब्वियस वाली बात है, आप लोग सुने होंगे रंज अलम गम कटते हैं। ठीक है, रंज अलम दोनों का मतलब एक ही होता है। 52 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुल्मत का ज़िद क्या है? जुल्मत का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। ऑप्शन ए में है गुरबत, बी में है अमीर, सी में है नूर और डी में है आसमान। तो जुल्मत का ज़िद होता है नूर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मुसर्रत का मानी क्या है? ऑप्शन ए में है मेहनत, बी में है कमज़ोर, सी में है खुशी, डी में है बीमार। तो मुसर्रत का मानी होता है, ध्यान से सुन लीजिए, मुसर्रत का मानी होता है खुशी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, जमील का मानी है। ऑप्शन ए में है दोस्त, बी में है बहादुर, सी में है खास और डी में है खूबसूरत। तो जमील का मतलब होता है खूबसूरत। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा क्या है। ऑप्शन ए में है मुजक्कर, बी में है मुअन्नस, सी में है सिफत और डी में है फेल। ध्यान से सुनिए, क्या ये सिफत होगा? नहीं। क्या ये फेल होगा? तो नहीं। अब बताइए, हवा मुजक्कर है या फिर मुअन्नस है? हवा चल रही है या फिर चल रहा है? कौन सा सही है? तो हवा चल रहा है नहीं होता है, हवा चल रही है, यानी कि हवा लफ्ज़ जो है ना वो एक मुअन्नस स्त्रीलिंग लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 है कि दर्ज ज़ैल में मुजक्कर कौन है। ऑप्शन ए में है नज़्म, बी में है दुकान, सी में है शरबत और डी में है शराब। मुजक्कर यानी कि पुलिंग लफ्ज़ की पहचान करनी है आपको, तो 57 का ऑप्शन नंबर सी शरबत इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज ज़ैल में से साबका बताइए, साबका जो शुरू में जुड़ जाए। तो ऑप्शन ए में है बर अक्स, बी में है अहले अलम, सी में है नालायक और डी में है ईदगाह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें साबका है, और वो कौन सा ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बर अक्स। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जो है ना स्टार्टिंग में शुरू में ना लगा हुआ है, लाइक के आगे ना लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर दो ऑप्शन दे दिया गया है। दो ऑप्शन सही कैसे हो सकता है? चलिए इसको काट देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी भी लगाए होंगे तो भी आपका सही है। इसमें दो दे दिया गया है सबका, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में, तो दोनों अगर आप ए लगाए हैं तो भी ठीक, सी लगाए हैं तो भी ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आस्तीन चढ़ाना मुहावरे का मानी है। ऑप्शन ए में है गुस्सा से बेखूद होना, बी में है शर्मिंदा होना, सी में है लड़ने पर आमादा होना और डी में है बेरुखी से पेश आना। तो आस्तीन चढ़ाना का मतलब ये होता है कि लड़ने पर आमादा होना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है कि उल्टी गंगा बहना का मानी है। ऑप्शन ए में है जवाब न दे पाना, बी में उजड़ जाना, सी में तरक्की पर होना और डी में रस्म और रिवाज के खिलाफ होना। तो डायरेक्ट आंसर दिख जा रहा है कि उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है रस्म और रिवाज के खिलाफ होना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए उर्दू कवायद का। आई होप आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग खुद से आंसर दे पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर बता दीजिएगा कि आप लोगों का 20 में कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है ना, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं। और बाकी जो कुछ भी समझाया गया है अगर समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा है तो देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।